काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान शुक्रवार को संपन्न हुई गयी और अब तीसरे चरण चौथा चरण के प्रचार प्रसार का लेके अकेली बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस और धुआंधार प्रचार के तैयारी में नजर आ रही है तो दूसरे कई बसपा गलाए अपने पार्टी के समर्थन में प्रचार प्रसार करे में कोनो कोर कसर नहीं छोड़े चाहे। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 के उत्सव के बीच मध्य प्रदेश के तीसरे चरण में राजनैतिक प्रचार के जो स्टार प्रचारक है राजनीतिक पार्टी के उनके बीच जो उन्हें महासंग्राम बड़ा रोचक नजर आवे वाला है। मध्य प्रदेश के धरती में दिग्गज नेता के महासंग्राम में कौन नेता कब एंट्री मरी ही एक एक खातिर पूरी खबर अपना काम लेके आने तक विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में पूजा अपना पंचे सब जन का प्रणाम कही थे शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दी कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो दुई फेज के चुनाव रहा संपन्न हो चुका है तीसरे चरण के बता दी के चुनाव होने वाले हैं और अब मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक के महासंग्राम के जंग 28 अप्रैल का बसपा के तरफ से शुरू की गई। तीसरे चरण के महासंग्राम के बिगुल फूके के खातिर खुद बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती एमपी के दौरा पर पहुंच रही हैं। इस दौरान मायावती मुरैना में पार्टी के प्रत्याशी और पार्टी के समर्थन में वोट मांगी। मेला ग्राउंड में सुबेरे 11 बजे से जनसभा का संबोधित करी। बता दी कि इससे पहले मायावती रीवा में सभा आयोजित कर चुकी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम में कांग्रेस के उत्साह भले अब तक कम नजर आवा हो लेकिन तीसरा और चौथा चरण में कांग्रेस पूरे जोश में नजर आ रही है। चुनाव प्रचार प्रसार में कोनो कमी नहीं छोड़े चाहे। राहुल गांधी एक बार फिर से तूफानी चुनाव प्रचार प्रसार के खातिर मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार करे खातिर पहुंच रही है। तीसरा और चौथे चरण के चुनावी प्रचार प्रसार की शुरुआत भिंड से राहुल गांधी के द्वारा की गई जहां 30 अप्रैल का भिंड में राहुल गांधी के द्वारा शुरुआत की गई। भिंड से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में राहुल गांधी जनसभा का संबोधित करी। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 2 मई का मुरैना में गर्जत नजर आई है। प्रियंका गांधी मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार के समर्थन में जनसभा का संबोधित करी। बात की जाए भाजपा के तो 6 मई का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंची। बता दी कि मालवा निवाड़ के सीट का साथे के खातिर प्रधानमंत्री की आगमन हो रहा है। 6 मई का एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरा पर हुए ही 6 मई का धार और बड़वानी में सभा संबोधित करी। दोनों जगह में सभा कह के मालवा निवाड़ के 8 सीट का साथे के कवर क्यों जाए यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य बतावा जाता है। सजग रही सतर्क रही रखिए आप अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत प्रणाम।